उद्योग विकास को चालना मिले इसलिए तहसील स्तर पर एमआरडीसी का निर्माण कर विकास कार्य करने निर्णय शासन स्तर पर लिया गया था। जिले में कई जगह पर एमआरडीसी सफल हुई है। पार्श्वनी शहर की एमआरडीसी इस कार्य में असफल दिखाई देती है। नियोजन के अभाव में 60% उद्योग बंद पड़ने से यहां पर खस्ता हालत में खंडर पड़े नजर आ रहे, इसलिए यहाँ के युवक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। रोजगार जाने से युवक बेरोजगार हो गए हैं, भुखमरी की हालत पैदा हुई। उद्योग के लिए यहां सभी प्रकार की सुविधा होते हुए फिर भी यहां 60% उद्योग बंद पड़े हैं। बनाए गए कारखाने इमारत खाली पड़ी है और तो और बंद होने से यहां पर खंडर नजर आ रहा है। कुछ व्यवसाय जैसे तैसे शुरू है, वह भी कब बंद होंगे इसका कोई भरोसा नहीं। पार्श्वनी तहसील में युवकों को रोजगार मिले, बेकारी दूर हो, इसलिए शिव मंदिर पहाड़ी के नीचे उद्योग के लिए यहाँ पर जगह रिजर्व रखी गई है। इसी जगह प्रशासन ने एमआईडीसी का निर्माण किया। यहाँ पर उद्योग को बढ़ावा मिले, रोजगार मिले, इसलिए यहाँ पर कारखानदारों को जमीन आवंटन की गई, वह भी बहुत ही कम कीमत पर। इस जगह पर उद्योग के नाम पर सिर्फ टीन के शेड बनाए गए, तो कहीं बड़ी मंजिले, तो कहीं जगह सिर्फ वॉल कंपाउंड बनाई गई। यहाँ बनी इमारत पर तो किसी प्रकार का नाम भी नहीं लिखा। किस चीज का उत्पादन होता है यह भी पता नहीं चलता। यह जगह किसको आवंटित की गई है यह तो ढूंढने से भी पता नहीं चलता। इधर उधर के नाम के बोर्ड लगाए हुए हैं, उसी जगह पर ताले लगे हुए दिखते हैं। बंद पड़ी कंपनियों में चौकीदार के सिवाय कोई भी नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह उत्पादन कार्य बंद पड़ा है, वह भी काफी सालों से कंपनी बंद पड़ी है। जो भी कंपनी शुरू है वह भी कब बंद होगी इसका अंदेशा लगाना मुश्किल है। जो कंपनी शुरू है वहां पर भी मजदूरों की संख्या ना के बराबर दिखाई देती है। यह आवंटित की गई जगह कुछ कंपनी मालिकों ने दूसरों को देने की बात उजागर हुई है। किसी कम कीमत पर उद्योग लगाने के लिए सरकार से कम लीज पर जगह लेकर दूसरों को वही जगह बड़े भाव से किराए दी है, जिसलिए सरकार ने यहाँ की जगह उद्योग धंधे लगाने के लिए कम से कम भाव में लीज पर 100 से 50 साल के लिए दी है। वही जगह इन मालिकों ने दूसरों से मोटी रकम लेकर यहाँ से भाग गए, इसलिए आवंटित की गई जगह की धांधली में भ्रष्टाचार किया गया है, यह पता लगाना बहुत जरूरी है। और जिसने भी यह किया है, जगह का उचित उपयोग नहीं किया, उसे जगह सरकार ने वापस लेकर बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करा दे, जो रोजगार उपलब्ध करने में कारगर होगी। सरकार से जमीन लेते समय यहाँ पर उद्योग किया जाना अनिवार्य था। यहाँ पर उद्योग तो लगाए नहीं गए लेकिन जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। उनसे दी हुई जमीन वापस ली जाने की मांग नागरिक कर रहे, जो उचित है। उद्योग ना लगाने वालों पर कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी जोरों से उठ रही है। पार्श्वनी यहाँ के शिव टेकड़ी परिसर में एमआरडीसी के लिए बरसों पहले बहुत लोगों को जगह दी गई थी। यहाँ सैकड़ों एकड़ जगह में एमआरडीसी फैली हुई है। उस समय यहाँ पर कारखाना लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए और बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, यहाँ पे उद्योग करने के लिए यहाँ जगह दी गई थी, जिससे यहाँ पे कारखाना खोले और वहाँ पर बेरोजगार को रोजगार मिले। ये उद्देश्य लेकर बरसों पहले यहाँ पर एमआरडीसी का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जिसके लिए यहाँ जगह आवंटित की गई थी। लोगों ने यहाँ पर जगह तो ले ली, यहाँ पर बहुत ही कम दाम में जगह अपने कब्जे में कर ली, मगर कारखाने के नाम पर यहाँ पर सिर्फ दीवारें बना के और टीन का शेड लगाकर यहाँ पर निर्माण किया गया, जो कि यहाँ कारखाना दिखे, यहाँ उद्योग हो रहा ऐसा दिखे। कुछ दिनों बाद ही यहाँ पे पूरी तरह से कारखाना और जो रोजगार के साधन उपलब्ध किए गए थे वो पूरी तरह से बंद हो गए, और उसी समय से अनेकों कारखाने यहाँ बंद है, जिसके कारण बेरोजगार युवक आज भी खाली पीली घूम रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर भुखमरी की हालत आई हुई है। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत से लोगों ने कारखानों के लिए जमीन तो सरकार से ली, मगर उसका सदुपयोग ना करते दुरुपयोग करके अपनी जगह किसी को बेचकर या किसी को किराए पर देकर उन्होंने यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया, और गवर्नमेंट से उन्होंने 100 साल के लीज पर या 50 साल के लीज पर 1 रुपया 2 रुपया के कम दाम पर भाड़े से ये जगह अपने कब्जे में कर ली। वजह यह है कि यहाँ होना था उद्योग, यहाँ होना था रोजगार, जो आज यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देता।
जो कुछ कारखाने चालू हैं, जो कुछ उद्योग हैं चालू है, वहाँ मामूली लोगों को रोज़गार मिल जाता है और उनका रोज़गार मिलने से उनका घर चल जाता है। अगर इसी तरह से यहाँ पूरी तरह से पूरी क्षमता से अगर कारखाने शुरू होते, जिसने ज़मीन जगह ली है, जिसने यहाँ कारखाना खोलने के लिए परमिशन ली थी, वहाँ अगर पूरी क्षमता से अगर ये कारखाना शुरू होता है, उद्योग शुरू होता, तो आज पारशिवनी के आसपास के लोगों को या युवकों को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलता। फिर भी आज आप इस जगह, जब मैं आपको दिखा सकता हूँ इस जगह में ऐसे कोई कारखाने, जो जो चार ही कारखाने बचे हुए जो ईमानदारी से काम करते हैं और अपने काम कर रहे हैं, मगर बहुत सारे ऐसे भी हैं कि यहाँ पर जगह जो खाली पड़ी है, मशीनरी पड़ी है, दीवार खड़ी है, इमारतें खड़ी है, मगर उसमें काम कुछ भी नहीं होता। इसका कोई फ़ायदा, कुछ भी फ़ायदा इन यहाँ के युवकों को नहीं हो रहा है। इसलिए तहसीलदार के माध्यम से इस MRDC का पूरी चौकसी होना चाहिए और जिस जिसको ये ज़मीन आवंटित की गई उसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी जानकारी लेना चाहिए। अगर यहाँ पर कारखाना लगाने में असमर्थ है और चलाने में असमर्थ है तो किसी और को ये जगह दी जाए, इसके कारण यहाँ पर उद्योग खोला जा सके और यहाँ पर रोज़गार मिले। यही मांग बहुत दिनों से यहाँ पे हो रही है, मगर प्रशासन यहाँ पे ना तो किसी बात को ध्यान दे रहा है और यहाँ के जो कारखानदार है वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं अपने कारखाना बंद करके। इसी वजह से यहाँ पर रोज़गार की बड़ी किल्लत है। अगर माना जाए यहाँ पर कि पारशिवनी से रोज़गार को योग मिले, युवकों को रोज़गार मिले, तो यहाँ पर कारखाना होना चालू होना बहुत ही अनिवार्य है, चालू करना ज़रूरी है। इसके लिए जो कारखाने बंद है वो तुरंत चालू किए जाए, वरना वही जगह वही कारखाना किसी और को देके यहाँ पे रोज़गार का साधन उपलब्ध कराया जाए, ऐसी मांग पारशिवनी के युवकों से उठ रही है, जो जायज़ है और ये तुरंत होना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। मैं रूपेश खंडारे, BCA न्यूज़, पारशिवनी।